हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूपी क्लासेस गाजीपुर में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आए हुए हैं दिल्ली सेट के जीके का सेट पेपर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, अशोक स्तंभ पर भारत युद्ध के प्रारंभ में निम्नलिखित में से देखा जा सकता है, ए चट्टान आलेख पर, बी स्तंभ आलेख पर, सी उत्खनन के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए, चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था, ए चंद्रगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, गर्सोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी सरावती नदी और डी गोदावरी नदी। तो आपका सही आंसर है सी सरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्षों की संख्या कितनी थी, ए सात, बी आठ, सी ग्यारह, डी नौ। तो आपका सही आंसर है ए सात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ए सचिंद्रनाथ सान्यवाल, बी भगत सिंह, सी श्याम जी कृष्ण, डी एम एन राय। तो आपका ये सही आंसर है ए सचिंद्रनाथ सान्यवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों को मुख्य देवता थे, ए अग्नि, बी सोम, डी इंद्र। तो आपका सही आंसर है बी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है, ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी फिनलैंड, सी आइसलैंड, डी ग्रीनलैंड। तो आपका सही आंसर है डी ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, लार की प्रकृति कैसी होती है, ए क्षारी, बी अम्लीय, सी उभयधर्मी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।